हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, जो कि आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना बंद कर देता है, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, आपके बाल जो है काले होने लगते हैं और अगले बार से आपके बाल सफ़ेद नहीं निकलते हैं, बाल हमेशा काले निकलते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या वो भी दूर हो जाती है, यानी कि आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपके बालों को सिल्की साइनी बनाने के साथ साथ आपके बालों को लंबा बनाता है, काला बनाता है, क्योंकि इस होम रेमेडी को लगाने से फ्रेंड्स आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। तो वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी अच्छे से। फ्रेंड्स, इसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो इस होम रेमेडी को, हेयर मास्क को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, और दोनों जो चीज़ है फ्रेंड्स आपके बालों के लिए वरदान की तरह काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके बालों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम फर्स्ट इन्ग्रीडियंट यूज करेंगे उसके लिए हमें लेना है एलोवेरा। फ्रेंड्स, एलोवेरा आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपके बालों की झड़ने की समस्या को दूर करता है, आपके बालों को सिल्की साइनी बनाता है, नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है फ्रेंड्स, क्योंकि एलोवेरा में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। एलोवेरा में फ्रेंड्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एलोवेरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम विटामिन ई के सहायता से फ्रेंड्स हमारी हेयर ग्रोथ तेजी से होती है, बालों की जड़ें मजबूत बनती है और हमारे बाल काले बनते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसके वजह से आपकी स्कैल्प बिल्कुल ही साफ रहता है, और बैक्टीरियल गुण होने की वजह से आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ की समस्या जो होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो एलोवेरा जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे आपको वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट में एलोवेरा जेल लेना है फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी कितना लेना है आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए हमें लेना है प्याज। फ्रेंड्स, प्याज जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, खास करके गंजापन की समस्या को दूर करने के लिए प्याज जो है रामबाण की तरह काम करता है फ्रेंड्स, और सिर्फ प्याज के रस का यूज करने से भी आपके बालों से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल ही दूर हो जाती है, गंजापन की समस्या दूर हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो अगर आप प्याज के रस का यूज करते हैं तो आपको बालों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने के साथ साथ आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं, आपके बाल काले होने लगते हैं और बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स प्याज में विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ तेजी से होती है प्याज का रस का यूज करने से फ्रेंड्स, क्योंकि प्याज के रस में काफ़ी मात्रा में सल्फर होता है, जो कि आपके पोर्स को पोषण देता है और उन्हें दोबारा से एक्टिव करने में मदद करता है, और सल्फर जो है फ्रेंड्स आपके बालों को पतला होने से, टूटने से भी रोकता है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण और सल्फर आपके बालों को सफ़ेद होने से भी बचाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए प्याज का रस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि प्याज का रस यानी कि प्याज और एलोवेरा जेल दोनों हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ यूज करें फ्रेंड्स, एक साथ ही इस्तेमाल करें, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि दोनों फायदेमंद वाली चीज़ को हम एक साथ अगर यूज करेंगे तो कितना सारा फायदा हो सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है, एलोवेरा जेल और दूसरा प्याज का रस। क्वांटिटी आपको लेनी है फ्रेंड्स, 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है और 2 चम्मच जो है प्याज का रस लेना है। प्याज का रस आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो पहले ही बता दिया है प्याज के रस का यूज कैसे करना चाहिए, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि प्याज का रस का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं गंजापन की समस्या को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच प्याज के रस को मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए, अच्छे तरीके से पूरे स्कैल्प में बालों की जड़ों में लगाने
लगाने के बाद आप अपने बालों पर लगाइए, बालों के नीचे नीचे वाले पार्ट पर लगाइए, और उसके बाद इसे एक घंटे के लिए आपको अपने बालों पर रखना है। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं वैसे आपको नॉर्मल शैम्पू कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि इस एलोवेरा जेल और प्याज के रस को लगाने के बाद आपके बाल जो हैं बिल्कुल सिल्की शाइनी नजर आएंगे फ्रेंड्स। आपको कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो खुद ही नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इसको यूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको खुद ही नजर आएगा कि आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी दिखाई देंगे, आपका स्कैल्प बिल्कुल ही क्लीन साफ दिखाई देगा। अगर फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को, इस नुस्खे को आप हफ्ते में दो बार भी यूज करते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आपके बालों की झड़ने की समस्या बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, सफ़ेद बालों की समस्या से छुटकारा मिलेगा और गंजापन की भी समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें यूज किया है प्याज का रस, और प्याज का रस गंजापन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।